वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स मैं हूँ दीक्षा और मेरे चैनल पर स्किन केयर और हेयर केयर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप भी फटी एडियो से परेशान हो एडियो में क्रैक्स आ जाना ड्राई रूखापन आ जाना और सर्दियों में तो मीन्स बहुत सारी जो उमंस होती है उनकी जो एडिया होती है हिल्स होती है पूरी तरीके से क्रैक हो जाती है पैरों का आप अच्छे से ध्यान नहीं रखते हो जैसे हम स्किन का मीन्स हमारे फेस का हम इतने अच्छे से ध्यान रखते हैं सिरम लोशन मलम हर कुछ जो भी रेमेडी होती है हम यूज कर लेते हैं हमारे पैर होते हैं उनकी तरफ हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं जी हाँ बहुत सारी ऐसी उमन्स होगी जो अपने पैरों की तरफ ध्यान ही नहीं देती इसकी वजह से क्या होता है तो बहुत क्रैक्स हो आपके हिल्स में तो आगे जाके और वो बढ़ सकती है अगर आपकी फटी एरिया हो तो उसमें डर बैठ जाती है कई बार ऐसा होता है की ये एरिया जो होती है इतनी फट जाती कि उसमें से खून आ जाता है जी हाँ बहुत सारी उम्र को ये प्रॉब्लम होता है अगर आपको फटी एडिया नहीं चाहिए और विंटर में तो ये प्रॉब्लम बहुत हो जाता है तो एटलीस्ट आपको फाइव मिनट्स या टेन मिनट्स आपके खुद के लिए देना है ओके इसमें जो भी मैंने यूज किया है रेमेडीज या जो प्रोसेस मैंने की है बहुत आसान है आपने देखा होगा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने मेरे पैर दिखाए इस विंटर में मेरे पैर बहुत ही मुलायम है सॉफ्ट है और उसमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं है आप लोग कहोगे कि आपके पैरों में क्रैक्स है ही नहीं क्योंकि मैं मेरे पैरों की बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती हूँ इसकी वजह से मुझे क्रैक हिल्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको हो या ना भी हो तो आप इस प्रोसेस को जरूर यूज करिए ज्यादा बातें ना करते हुए या वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए हम वीडियो को करते स्टार्ट प्लीज एंड तक देखिए कहीं स्किप मत करिए तो चलिए वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट तो यहाँ फर्स्ट हम हमारे पैरों को अच्छे से तो मीन्स वॉश कर लेगी जो भी डर्ट हो गंदगी हो निकल जाएगी क्योंकि कोई भी रेमेडी करने से पहले आपके पैर क्लीन होने चाहिए स्पेशली अगर आप क्रैक्स के लिए कर रहे हो तो तो यहाँ मैंने शैम्पू लिया है शैम्पू नॉर्मल ऑर्गेनिक लिया है आप कौन सा भी ले सकते हैं इसमें मैंने लेमन ऐड किया है हाफ लेमन अच्छे से मिक्स कर लीजिए पानी आपका गर्म ही यूज़ करना है या गुनगुना यूज़ करना है नॉर्मली हम जैसे पेडिक्योर करते हैं उसी तरह से आपको करना है फाइव या टेन मिनट्स आपको पैर इसमें रखने हैं ताकि जो डर्ट हो गंदगी हो निकल जाए हिल्स में अगर आपके क्रैक हिल्स में अगर आपकी गंदगी बैठ चुकी हो तो वो भी निकल जाएगी और यह हमारे जो पैर है अच्छे से भीग चुके हैं भीगने के कारण क्या होता है पैरों पे जो डर्ट होती है आसानी से निकल जाती है ऐसा कोई स्क्रब हो आपके पास या जो प्यूमिक स्टोन आता है उससे भी आप साफ़ कर सकते हो क्लीन कर सकते हो अच्छे से आप क्लीन कर लेना है यहाँ तो मेरे कोई क्रैक्स नहीं है हेल्स पे तो अगर आपके हो तो आप अच्छे से साफ कर लीजिए इसमें हमने डाला है लेमन लेमन में होता है विटामिन सी एंटीबैक्टेरियल प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती है इसकी वजह से जो भी फंगस हो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी निकल जाएगी इसलिए हमने इसमें डाला है लेमन आप चाहे तो जो ने, नेल्स होते हैं हमारे वो भी आप अच्छे से क्लीन कर सकते हो जैसे पेडिक्योर में हम करते हैं नेल पेंट निकाल कर आप अच्छे से नेल्स को भी आप साफ कर सकते हो तो यहाँ सिर्फ हम हील्स के लिए कर रहे हैं तो मैंने हील्स को पैरों को अच्छे से मैंने साफ कर लिया है क्लीन कर लिया है स्क्रब से तो यहाँ मैं यूज़ करने वाली हूँ स्क्रबर अगर आपके पास ऐसा कोई स्क्रबर नहीं हो तो आप जो कॉफ़ी होती है उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल के उसे भी आप एज अ स्क्रबर यूज़ कर सकते हो कॉफ़ी आपके स्किन की जो मींस रंगत होती है उसे निखारती है नॉर्मल जो पैर होते हैं हमारे बहुत ही काले पड़ जाते हैं तो अगर आप ऐसा एक बार स्क्रब कर लेंगे नहाते टाइम तो आपके जो पैर होते हैं बहुत ही अच्छे से ग्लो करेंगे ओके तो यहाँ जितनी डर्ट है स्क्रब से निकाल लूंगी मैं ये स्क्रब मैंने बेला बेलाविटा का यूज़ किया है और आप चाहे तो आपके के पास जो हो आप उसे यूज़ कर लीजिए फाइव या टेन मिनट्स आप अच्छे से रब कर लीजिए ताकि जितनी डर्ट हो निकल जाए और यह है हमारी मैन रेमेडी यहाँ यूज करने वाली हूँ मैं कोलगेट कोलगेट हमें सिर्फ जो एरिया है जो फूट है वही आपको लगानी है आपको स्किन पे फेस पे आप कोलगेट बिल्कुल मत लगाइए ओनली टिथ साफ करने के लिए या ब्रश करने के लिए होता है लेकिन जो एरिया होती है यहाँ की जो स्किन होती है बहुत रफ होती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको जो बचा हुआ लेमन है उससे जो एरिया है हमारे उसके अच्छे से क्लीन कर लेना है जो कोलगेट होता है बहुत ही अच्छे से आपके जो एरिया साफ कर देगा बहुत ही क्लीन हो जाएगी आपकी एरिया अगर फटी एरियो में अगर डर्ट हो गंदगी हो वो भी क्लीन हो जाएगी आप जरा ट्राई करके देखिए एक बार आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छे से मिलेगा लेकिन आपको भूल कर भी कोलगेट आपके फेस पे यूज नहीं करना है जहाँ मीन्स आपके हा कोहनियाँ जो होती है काली पड़ जाती है पैरों में भी हमारा कालापन आ जाए तो वहाँ आप कोलगेट यूज़ कर सकते हो इस तरीके से लेमन से लेकिन आपको फेस पे इसे बिल्कुल नहीं लगाना है अच्छे से आपको फाइव या टेन मिनट्स इसे रगड़ना है अच्छे से साफ़ करना है और आपको धो लेना है यहाँ आप देख सकते हो वॉश करने के बाद पैर बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुके हैं क्रैक्स हिल के लिए या हिल्स को फुट को क्लीन करने के लिए आप जो कोलगेट वाली रेमेडी है ज़रूर ट्राई करिए आपको इफेक्ट बहुत अच्छा मिलेगा आफ्टर आपको क्या करना है आपको अच्छे से कोई भी क्रीम हो विंटर क्रीम आपको आपके पैरों पे लगा लेना है आपको फुट पे ये क्रीम नहीं लगानी है और आप जब भी फुट के नीचे जो क्रीम लगाओगे आप रात को ही लगाओ इस दिन में मत लगाओ क्योंकि इसमें डर बैठ जाएगी फिर से क्रैक्स में गंदगी बैठ जाएगी और फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी आपको ये करना है रात को आप चाहे तो इस पर सॉक्स भी पहन सकते हो और सो सकते हो मैंने वैसलिन लगाया है जो आ, फूट होते हैं वो नरम हो जाएगी अच्छे से उनको सॉफ्टनेस आ जाएगी और आप इस पर सॉक्स पहन के आप सो सकते हो विंटर में नॉर्मली हमारे जो फूट होते हैं ड्राई हो जाते हैं तो आपको इसे मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी है कौन सी भी क्रीम आपको हमेशा यूज़ करना है फूट क्रीम हो वैसिलिन हो पेट्रोलियम जेली हो आप यूज़ कर सकते हो आपके फूड पे एडियो पे ओके तो यहाँ आप देख सकते हैं पैर भी बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुके हैं जितनी दर्द थी गंदगी थी साफ हो चुकी है तो आप भी ज़रूर ट्राई करिए इस रेमिडी को गाइस वेलकम बैक तो आपने देखा होगा कितने आसानी से हमने जो एरिया है क्लीन कर ली आपने जो इंग्रेडिएंट्स देखे होंगे आप सबके घर में इंग्रेडिएंट्स होते ही है नॉर्मली आप भी वीक में या मंथ में इसे एक दो बार करते हो तो आपके पैरों में बिल्कुल फंगस नहीं आएगा बैक्टीरिया जमा नहीं होगा आपका पैर बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएंगे सॉफ्ट रहेंगे क्लीन रहेंगे और बहुत ही सुंदर आपके पैर दिखेगी इस वीडियो में मैंने अलग से ऐसा कुछ आपको बताया ही नहीं है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं वही मैंने यूज किया है और मुझे कैसे इफेक्ट मिला है आपने तो लाइव देखा होगा ओके तो आप भी जरूर ट्राई करिए एडिया आपकी अगर थोड़ी बहुत फटी हो तो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगी और धीरे धीरे करके जो भी थोड़ी बहुत फटी हुई एरिया है, एडिया है। मीन्स ठीक हो जाएगी तो आप भी इसे ट्राई करिए वीडियो कैसी लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर